आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे इस तरीके से अपना फोटोज को कलर ग्रेडिंग करके एस्थेटिक या फिर सिनेमैटिक वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप कर देखना, क्योंकि आज मैं कलर ग्रेडिंग के साथ पोपाली मास्किंग करना भी सिखाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं? एंड रोज अगर इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड ना कर पाओ तो एक दो फोटोज भी अपलोड कर दिया करो, इससे तुम्हारा पेज का रीच कंसिस्टेंसी बने रहेगा। बात तो सही है। तो आओ यार शुरू कर लेते हैं बिना किसी बकचोदी। इस तरीके से फोटो को एडिट करने के लिए आपको चाहिए हुआ लाइटरूम एप्लीकेशन। आई होप कि आपके पास ये एप्लीकेशन रहेगा, अगर नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाकर इस एप्लीकेशन को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अभी चलते हैं एडिटिंग की ओर। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। तो सिंपली आपको फोटोशॉप डिवाइस पर टैप करके अपना जो फोटोशॉप रहेगा उसको आपको करना ऐड। एंड इसको यहाँ पर ऐड करने के बाद अभी चलते हैं मेन चीज के ऊपर, जो कि आप इंस्टाग्राम पर ज्यादातर देखते हो। तो सिंपली आपको मास्क के ऊपर टैप कर लेना है एंड यहाँ पर आपको प्लस आइकन पर टैप कर लेना है। तो यहाँ पर आपको तीन चार ऐसे टूल्स दिखाई देगा जिसको आपको अच्छे तरीके से समझना है, लाइक सिलेक्ट सब्जेक्ट, ब्रश, लाइनर गार्डियन, गार्डियन। सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइनर गार्डियन के बारे में। तो यहाँ पर आपको सिंपली स्क्रीन पर टैप कर लेना है, तो देखेंगे इस तरीके से एक रेड कलर का कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर तीन पॉइंट दिखाई देगा, ठीक है, एक ए वाला पॉइंट एंड एक ए वाला पॉइंट। तो जो हमारा ए वाला पॉइंट है ना, ये सिंपली इसको बड़ा करने के लिए है। देन जो यहाँ पर ए वाला पॉइंट देख रहे हो, ये यहाँ पर इसको फेड करेगा। देन यहाँ पर जो बीच में पॉइंट देख रहे हो, यहाँ पर अगर आप टैप करेंगे तो तुम्हारा यहाँ पर जो रेड सा आ रहा था वो यहाँ पर हाइड हो जाएगा, बट कलर ग्रेडिंग उसी लोकेशन पर ही होगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको टैप कर देना है। तो जब आप कलर ग्रेडिंग करेंगे यहाँ पर टैप कर देना है, देन आपको कलर ग्रेडिंग करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अभी आप देख पा रहे हैं हमारा बैकग्राउंड के साथ सब्जेक्ट भी आ रहा है। अगर हम यहाँ पर कलर ग्रेडिंग ऐड करेंगे तो यहाँ पर बैकग्राउंड पे भी कलर ऐड होगा एंड हमारा सब्जेक्ट पर भी कलर ग्रेडिंग ऐड होगा जो कि यहाँ पर है। तो हम चाहते हैं जो कलर ग्रेडिंग है उसको सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड पर ही ऐड करें। तो सिंपली आपको यहाँ पर टैप कर लेना जो प्लस माइनस आइकन दिख पा रहे हैं, देन आपको सबट्रैक फ्रॉम मार्क्स वन पे क्लिक कर लेना एंड यहाँ पर आपको सिलेक्ट सब्जेक्ट कर देना है। एंड उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर पोजीशनिंग होगा, देन आपको अगेन यहाँ पर टैप कर देना है। तो देखेंगे तुम्हारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो सिलेक्टेड पार्ट में ही रहेगा, मतलब अभी आप अगर बैकग्राउंड पे जितना भी कलर वगैरह ऐड करेंगे सब्जेक्ट पे एक भी ऐड नहीं होगा। इससे तुम्हारा कलर ग्रेडिंग और भी ज्यादा प्रोफेशनल दिखाई देगा। तो अभी हम इसको इतना तक रखेंगे, देन अभी कर देंगे इसको हाइट। सिंपली टैप करेंगे तो ये हो जाएगा हाइट। तो अभी जो ऊपर का पार्ट है उसको डार्क करना है एंड ज्यादातर एडिटर्स इसको डार्क ही करते हैं। तो सिंपली आपको लाइट पे जाना है एंड यहाँ पे जो एक्सपोजर रहेगा उसको कर देना कम, देन जो कॉन्ट्रास्ट रहेगा उसको थोड़ा सा आपको प्लस कर देना है। अगर आप कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करेंगे तो तुम्हारा फोटो में जो कलर का स्ट्रेंथ रहेगा वो इंक्रीज हो जाएगा। इसको ज्यादा भी यूज नहीं करना है, थोड़ा सा यूज करना है वरना ज्यादा ही डार्क दिखाई देगा। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर ब्लैक दिखाई देगा तो उसको थोड़ा सा माइनस कर देना, ओके। देन आपको यहाँ पर राइट के ऊपर टैप कर देना है। तो हमारा जो यहाँ पर इसका का पार्ट था उसको डार्क करना कम्प्लीट हो चुका है। अगेन मार्किंग पे जाएंगे, देन आप यहाँ पर अगेन इसको देख पाएंगे कि तुम्हारा प्रोजेक्ट में क्या क्या हुआ है या फिर क्या क्या नहीं। देन उसके बाद आपको अगेन प्लस करने पर टैप कर लेना, देन अगेन आपको लाइनर गार्डियन पर टैप कर लेना एंड अभी आपको यहाँ पर नीचे टैप कर लेना है एंड उसको आपको कुछ इस तरीके से कर लेना रोटेट। देन अभी आपको इस तरीके से कर देना उसको फेड एंड फेड करने के बाद आपको अगेन यहाँ पर टैप कर लेना। आप चाहो तो सब्जेक्ट को भी यहाँ पर डिसलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर सब्जेक्ट तक जाऊँगा ही नहीं तो इसके लिए मैं सब्जेक्ट को यहाँ पर डिसलेक्ट नहीं किया। अभी जाएंगे लाइट पे एंड यहाँ पर जो इसका एक्सपोजर रहेगा इसको कर देंगे अगेन कम, देन उसके बाद जो कॉन्ट्रास्ट है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, देन हाइलाइट को थोड़ा सा कर देंगे माइनस। आई थिंक अभी आपको पता चल रहा है कि किस तरीके से एडिट होता है रील्स के फोटोज में। देन आपको यहाँ पर अगेन राइट के ऊपर टैप कर देना है। तो हमारा अभी यहाँ पर स्काई एंड नीचे के साइड कलर ग्रेडिंग को ऐड करना कंप्लीट हो चुका है। अभी आता है हमारा मेन सब्जेक्ट जो हमारा ह्यूमन है उसके ऊपर। तो सिंपली मास्क के ऊपर टैप करेंगे, प्लस के ऊपर टैप करेंगे अगेन, देन यहाँ पर आपको सिलेक्ट सब्जेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर एक बार टैप कर लेना है। तो हमारा जो रेड कलर का था वो यहाँ पर हाइड हो जाएगा। देन अभी आप यहाँ पर आराम से एडिट कर सकते हैं। आपको लाइट पे जाना है, थोड़ा सा आपको लाइट को ऐड करना है थोड़ा सा, देन जो कॉन्ट्रास्ट रहेगा थोड़ा सा माइनस कर देना। हम लोग ऐसे बहुत ज्यादा काले हैं, अगर ज्यादा कॉन्ट्रास्ट ऐड हो जाएगा तो काले दिखेंगे, इसके लिए थोड़ा सा माना से करना इसको। देन उसके बाद जो व्हाइट रहेगा थोड़ा सा इंक्रीज करना, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। देन उसके बाद आपको यहाँ पे चले जाना है इफेक्ट्स पे एंड यहाँ पर टेक्स्ट को थोड़ा सा ऐड कर देना है एंड कलर एडिट को थोड़ा सा ऐड कर देना है। देन आपको यहाँ पर राइट के ऊपर टैप कर देना है। देन उसके बाद आपको मास्किंग पे अगेन टैप कर लेना है, अगेन आपको प्लस पर टैप कर लेना है। देन यहाँ पर नीचे और एक टूल्स है जिसका नाम है रेडियल ग्रेडिएंट, सिंपली यहाँ पर टैप कर लेना है। तो अभी अगर आप स्किन के टैप करेंगे तो इस तरीके से एक पॉइंटर आएगा, ठीक है। तो इसका ऊपर एंड राइट साइड में दोनों पॉइंट दिखाई देगा। इसको आप ऊपर नीचे करके इसका हाइट एंड विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। देन अभी जो यहाँ पर हमारा घास है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा डार्क ऐड करना चाहता हूँ। सिंपली जाएंगे लाइट पे अगेन एंड यहाँ पे थोड़ा सा कर देंगे एक्सपोजर को कम। देन जाना है इफेक्ट्स पे, देन थोड़ा सा टेक्सचर को कर देना है एड एंड अभी आपको यहाँ पर अगेन टैप कर लेना है, देन प्लस पे अगेन टैप कर लेना है। तो अभी हमारे यहाँ पर तीनों टूल्स को यूज करना हो गया है। अभी यहाँ पर बचा रहता है ब्रश।
तो ब्रश के मदद से आप अपना फोटो पर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट पे कलर ग्रेडिंग को ऐड कर सकते हैं इजीली। सिंपली मान लो कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा डार्क ऐड करूंगा, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर अपना उंगली की मदद से ड्रॉ कर लूंगा, देन उसके बाद जाऊंगा लाइट पे एंड थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लोर कर दूंगा कम। ओके, आई थिंक आप इसको भी इजीली यूज कर लोगे। देन उसके बाद यहाँ पर कर देंगे राइट के ऊपर टैप। तो हमारा यहाँ पर जितना भी मास्किंग का काम था वो यहाँ पर कम्प्लीटली हो चुका है। आप इंस्टाग्राम पर जितने भी रील्स देखते थे ना, वो इस तरीके से एडिट किया जाता है। देन उसके बाद अभी आते हैं एडवांस टिप्स के ऊपर, जिसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सिंपली आपको यहाँ पर एडजस्ट पे टैप कर लेना है, देन आपको जाना है कलर पे एंड यहाँ पर आपको ग्रेडिंग पे टैप कर लेना है। यहाँ पर टैप करने के बाद आपको यहाँ पर तीनों कलर टूल्स दिखाई देगा, शेडोज, मिड टोन्स एंड यहाँ पर हाईलाइट्स। तो पहले हम शेडोज पे जाएंगे। तो सिंपली हम जो यहाँ पर राउंडेड वाला है इसको इस तरह लेके आएंगे इसका कलर पे, एंड यहाँ पर ले आने के बाद आपको यहाँ पर टैप कर लेना है, तो इसका ह्यू एंड सैचुरेशन का जो पेज है ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से ह्यू सैचुरेशन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ अप्रॉक्स 14 तक। देन यहाँ पर जाऊँगा मैं मिड टोन्स पे, मिड टोन्स पे ऐड कर देंगे लाइट ग्रीन को। देन उसको जाएंगे हम हाईलाइट पे एंड हाईलाइट पर भी सेम कलर ऐड कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर इसका सैचुरेशन को इंक्रीज करेंगे। देन यहाँ पर राइट के ऊपर कर देंगे टैप। तो हमारा हाईलाइट, शेडोज एंड मिड टोन्स तीनों पर काम करना कम्प्लीट हो चुका है। देन जाएंगे हम मिक्स पेपर, यहाँ पर ही हमारा काम को फिनिश कर देंगे, तो इस पार्ट को मिस मत करना। तो यहाँ पर जो रेड कलर है थोड़ा सा आपको कर देंगे प्लस। देन आपको जाना है पर ऑरेंज पे, तो जो हमारा ऑरेंज कलर है उसको आपको ध्यान से ऐड करना है, क्योंकि हमारा जो स्किन टोन है वो भी ऑरेंज रहता है। तो देखो हमारा सब्जेक्ट या फिर ह्यूमन पे किसी भी प्रकार का स्किन नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा गले का पार्ट दिख रहा है, तो इससे मेरे को इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपका फोटोज पे अपना थोबड़ा दिख रहा है तो फिर आपको क्या करना है, सिंपली सैचुरेशन को थोड़ा सा माइनस करना है एंड लुमिनेशन को थोड़ा सा हाई कर लेना है। ओके, इससे तुम्हारा थोबड़ा और भी ज्यादा गोरा हो जाएगा एंड लड़की भी शेड हो जाएगा। शाबाश बेटा। देन यहाँ पर आपको चले जाना है येलो कलर पे, इसको थोड़ा सा कर देंगे माइनस सैचुरेशन को, देन इसको कर देंगे थोड़ा सा प्लस। देन जाएंगे हम यहाँ पर ग्रीन पे एंड ग्रीन का जो सैचुरेशन रहेगा थोड़ा सा माइनस करेंगे एंड इसको कर देंगे थोड़ा सा प्लस। देन जो नीचे लुमिनेंस रहेगा उसको कर देंगे प्लस। देन आपको डन के ऊपर टैप कर देना है एंड यहाँ पर आपको इफेक्ट्स पे जाना है। देन आपको जो टेक्सचर रहेगा थोड़ा सा हाई कर देना है, कि विदाउट टेक्सचर एंड क्लैरिटी को ऐड करे बिना आप अपना फोटोज में क्वालिटी नहीं ऐड कर पाओगे। देन जाना है बिगिनेट पे एंड थोड़ा सा इसको कर देंगे माइनस। देन जाएंगे ग्रेन में एंड थोड़ा सा इसको कर देंगे इंक्रीज। ज्यादा मत ऐड करना वरना वीडियो में ज्यादा डस्ट ऐड हो जाएगा। देन आपको डिटेल्स पे जाना है एंड शार्पन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, थोड़ा नहीं ज्यादा इंक्रीज करना है, लगभग 30 प्लस इंक्रीज कर देना है। तुम्हारा फोटो यहाँ पर परफेक्टली तैयार हो चुका है, ये देखो बिफोर एंड ये देखो आफ्टर। देन उसके बाद आपको यहाँ पर टैप कर लेना है शेयर पे आइकन पे, इजीली सेव हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।